बसमिल्लर रिम्स अलकम स्तोरिया टी वी असातर के प्लेटफॉर्म से गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला एक दफ़ा फिर हाज़र ख़िदमत है नाजिन अगस्त का महीना है पाकिस्तान का क़याम और बानिय पाकिस्तान और बानियान पाकिस्तान ये ऐसे मौजूद हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है बहुत कुछ कहा जा, जा चुका है और यकीन आइंदा भी लिखा जाता रहेगा आज से इस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और ये है किताब राय किताब राय के जरिए से हम हिस्ट्री और इससे मुतलका डिसप्लेंस पर जो आला पाए की तहकीक और तसनीफ़ जो है वो आपके सामने पेश करते रहेंगे मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस सिलसिले का आगाज मैं जिस किताब और जिस मुसन्फ़ से कर रहा हूँ वो मेरे मौसन मेरे उस्ताद और मेरे कलिक और बहुत कुछ हैं मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शावला साहब जिनसे आप भी वाकिफ़ हैं और शुब तारीख़ और मुत पाकिस्तान के हवाले से और इस डिसप्लिन के हवाले से मौजूदा हम असरों में एक इंतहाई बुलंद मुकाम पर फायस है मेरा ख़्याल है कि उनके बहुत ज़्यादा तफसीली तारफ़ की ज़रूरत नहीं है वो अपना तारफ़ आप हैं लेकिन उनका सबसे बड़ा तारफ़ मेरे नज़दीक उनकी वह तहक़ीक़ है वो तसनीफ़ हैं जिन पर उन्होंने काम किया है और मज़ीद वो काम कर रहे हैं नाजिन आज जिस किताब से हम आगाज़ कर रहे हैं उसका है वेवल एंड द डाइंग डेज ऑफ द राज ब्रिटन्स पेनल्टीमेट वाइस राय इन इंडिया ये किताब नाजीन ये आपके सामने है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के मुतवर इदारे ने इसको छापा और ये किताब इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है के वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन से पहले 1943 से 1947 के अशरे में जिस शख्सियत ने बरतान उज़मा का उसकी नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दिया हिंदुस्तान में वो लॉर्ड वेवल थे लॉर्ड वेवल एक वक्त मतनाज़ा शख्सियत भी थे और एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत भी थे जिनका बरतानी हिंद की तारीख़ में इसकी सियासी तारीख़ में इंतहाई अहम मुकाम है अमूमन लॉर्ड माउंट बेटन की शख्सियत का या हालात व वाक़ात के पस मंज़र में एक इतना ज़्यादा उठान थी हमारी तारीख़ में कि किमूमी तौर पर मुसनफ़ी महक्की ने लॉर्ड वेवल को न जाने किन बुनियादों पर नज़रअंदाज किया अगरचे इन पर बहुत सारी किताबों में कुछ बहुत तफसीली हवाले भी मिलते हैं जैसे डॉक्टर आयशा जलाल हैं या दीगर मुसनफिन हैं लेकिन एक ज़रूरत थी कि एक मुस्तकिल नौीय की आला पाए की तारीखी तहकीक की जाए और इस लिहाज से हम खुशकस्मत हैं कि इस अहम तरीन दौर पर डॉक्टर इकबाल चावला साहब ने हिम्मत की और अल्लाह तौला तोफीक दी कि इस पर एक इनहाई मारी तहकीक़ करके हमारे सामने लाएँ मैं मज़ीद आपके और डॉक्टर चावला साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहता बस इतना काफ़ी है कि ये किताब इस वक्त आलमी सतह पर इस मौजू पर एक मुस्तकिल नौीय की तसनीफ़ का दर्जा हासिल कर चुकी है डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत ममनू हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस किताब के हवाले से नाज्रन को बहुत सी अहम मालूम मिलने वाली हैं हम ये तो कर रहे हैं सबसे पहले मैं बहुत एक फॉर्मल सा सवाल करना चाहूँगा हमारे नाजरन की सहूलत के लिए कि लॉर्ड वेवल की आ, इस मौजू को स सेलेक्ट करने के लिए आपके जहन में आखिर ये क्यों ये ख्याल आया सबसे पहले तो आपके नाज्रन को सलाम और चौदह अगस्त की मुबारकबाद और हमें बड़े जो, जो खरोश के साथ पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाना चाहिए और आपने ये जो सिलसिला शुरू किया किताब और मुनफ़ के हवाले से और मेरे से आगाज़ किया मुझे बड़ी आई फील प्राउड आप रहा आपका सवाल मैं एक लेट नाइन्टीज़ में कॉन्फ्रेंस में गया जो कायद अजम पे कॉन्फ्रेंस करवाई मेरे बड़े आ, बड़े ही डर मोस्ट टीचर डॉक्टर रियाज साहब ने करवाई थी वहाँ पर डॉक्टर सिकंदर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार आप क्या कर रहे हैं मैं कैसा रिश्ता मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ <laughs> तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाइए लेकिन आप सुना है आप पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कोई आप मौजू ले लें लेकिन चलते चलते उन्होंने कहा एक लॉर्ड बेवल का भी मौजू है जिस पर लोगों ने इतना काम नहीं किया है तो मैं आ गया दो साल तक तो मैं लॉर्ड बेबल को ही तलाश करता रहा अगरचे फोर्टीज़ में इससे पढ़ाए बग़ैर तहरीक पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होती है जी। फिर उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे दोबारा कहा कि एक बाल कहाँ खड़े हो आप मैं फिर पढ़ा थोड़ा बहुत पढ़ा और सनोपिसा बना के मैंने रफ आइडिया के साथ वो भेजा और वो अलहमद अक्टूबर 2000 में आ, मेरा एडमिशन कैदम यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो गया मगर मैं एक साल डेढ़ साल तक जा नहीं सका मुझे इजाज़त यूनिवर्सिटी ने नहीं दी थी बहरहाल दो हज़ार एक से लेकर दो हज़ार सात तक मैंने इस पर काम किया और फिर इस दौरान मैं डाटा कलेक्शन के लिए इंग्लैंड भी गया वहाँ पर भी जो अहम तरीन प्रोफेसर्स थे हिस्टोरियंस थे आ, उनसे डिस्कशन हुई आ, उनसे आइडियाज़ लिए फिर ज़ाहिर वहाँ पे तो बहुत ज़खायर मौजूद हैं वो सारे सोर्स मैंने देखे तो ये जो आइडिया जो आया आप, आपका जो सवाल था ये एक वक्त में नहीं आया दैन जब मैंने पढ़ा तो जब सैनॉ लिख रहा था तो तब मुझे जाकर पता चला कि जब मैं एम में पढ़ाता था या एम फिल में इसे पढ़ाया तो ये तो हम फोकस करते थे तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़ात पर अहम शख्सियात में जिसमें गांधी आया नेहरू आया आज़ाद आए और ख़ास कर कहद आज मोहम्मद अली जना इलाम इकबाल लियात अली खान ये अश हुआ करते थे या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फिर लॉर्ड माउंड बैटन की एक बहस चलती थी आ, तो ये लॉर्ड वेवल जो है इस दौरान अक्टूबर उन्नीस से 20 मार्च उन्नीस तक के जो वाक़ हुए हैं जिनमें ज़ाहिर है जिन कि आगे जाकर आप अगर सवाल करेंगे मैं बताऊं उन वाक़ में ये बहसीयत है गवर्नर जनरल इसका क्या रोल है जबकि कहते हैं लॉर्ड मॉन्टबैटन ने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया क्या इनका भी कोई रोल है और फिर सबसे बड़ी ग्रैंड डिबेट ये चलती आ रही है और शायद चलती रहेगी अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे लिखने से हुँ, कोई कि ये जी कि पाकिस्तान बनाने में क्या मुसलमानों के जैन मुतालबात थे एक हिस्टोरिकल प्रोसेस था क्या दो कौमी नज़रिए में कोई वजन था क्या कोई कायदाजम इलाम इकबाल और जो हमारे बहुत शाहिर हैं क्या अंग्रेज़ों ने उनको पैम्पर किया क्या उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया और क्या कांग्रेस जो थी क्या वाहद वही नेशनलिस्ट पार्टी थी मुस्लिम लीग नहीं थी क्या आप फोटीज़ में आप देखते हैं जो बाद खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर गया तो उसमें लार्ड माउंट बैटन क्या फील कर रहा था तो जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया जब मेरी डॉक्यूमेंट्स पे नज़र पड़ी प्राइमरी सोर्सेज पर पढ़ी तो वो जो डिबेट्स फोर्टीज़ की जैसे अभी आयशा जलाल साहबा का जिक्र किया डॉक्टर सिकंदर हयात की बहुत पाइनर बुक है क्रिजमेटिक लीडर और जन्म पे वो वाली किताब मौजूद थी जसवंत सिंह की किताब मेरे साथ ही तकरीबन आई विक्टोरिया स्कोफिल्ड लॉर्ड वेवल भी काम कर रही थी मेरी मुलाकात उनकी उनसे इंग्लैंड में भी हुई यहाँ पर भी हुई। वो बहुत अच्छा काम कर रही थी और मैंने जब थी से जम किया उस वक्त ही उनकी किताब तकरीबन लास्ट ईयरस में आई तो वो तो कोई दस बारह साल से प्रोजेक्ट लेके कर रही थी तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस एक समंदर में दाखिल तो हो गया जहाँ पर डिबेट ही डिबेट है hmm. हाई पॉलिटिक्स है हाई पॉलिटिक्स में तो जनाब इंटरप्रटेशन की जंग है hmm. Hmm. ये वो नहीं है कि सिंपल आपने हिस्ट्री लिख दी नई नई जगह तलाश कर ली जी सोशल हिस्ट्री में आप चले गए और जाकर आपने सर्वे कर लिया इंटरव्यूज कर लिए और उसकी बुनियाद पर आपने आपने थीसेस लिख लिया वो भी साइंटिफिक है मैं उसका ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा वो अपना एक मेथड है ये स्पेकुलेटिव नहीं हो सकती थी hmm. ये तो आपको कंक्रीट इम्पीरिकल एविडेंस के साथ आपने फारेंड अगेंस्ट जाना था hmm. तो मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैंने इस पर काम शुरू किया मेरा इंटरेस्ट डिवेलप हुआ जब इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाता है तो फिर आपका पैशन भी बन जाता है hmm. फिर आपका जी चाहता है कि यार मैं एक जज बन कर यह मैं इंसाफ करूं कि लॉर्ड मॉन्ट बैटन जो है वो एक नुमाइंदा है बरतानिया का और सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है और सेकेंड वर्ल्ड वार में वो अमन भी रखना चाहता है और इक्तदा भी मुंतकिल करना चाहता है और मुसलमान क्या चाहते हैं कांग्रेस क्या चाहती है मुसलमानों के अंदर क्या इख्त हैं सिख क्यों नहीं मिल तो ये वो सब चीज़ें जब आपने मेरे सामने आई तो उसको फिर मुझे जो समझ आया उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा डॉक्टर सिकंदर हयात को मेरे सुपरवाइज़र भी थे थी सुपरवाइज़र मठोर भी हैं बहुत ही प्यारे मेरे कुलीग और दोस्त भी हैं कैदाज यूनिवर्सिटी इसी तरह सैयद वकार अली शाह लास्ट ईज़ में उन्होंने बड़ी मोहब्बत की कि थीसिस मेरा हो गया लेकिन थीसेस में फिनिशिंग हुआ उसके बाद भी जो राइटिंग आई लेटेस्ट राइटिंग आई मैंने उनको भी सामने रख के फिर ये 2011 में ये मेरी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ये किताब छपी 2007 में मैंने तीसरे जमा करवाया था 11 में ये यहाँ पाकिस्तान में छपी 12 में ये यूरोप में वहाँ पर छपी और फिर उससे लकीली डॉक्टर सिकंदर साहब को पहला मिला बेस्ट बुक अवार्ड एच ई e. बेस्ट बुक अवार्ड, बेस्ट बुक अवार्ड। आ, मैं और अहान हम नंबर दो थे अलिहान न्याज साहब को और मुझे दोनों को इकट्ठे ही हमें अपने उसाद के बाद हमारे लिए ये ज़्यादा एसाज़ की बात थी कि हमारे टीचर को जैसे लामा इकबाल ने कहा था मुझे सर का खताब ना दीजिए मेरे टीचर हमारे टीचर ख़ासकर सभी टीचर हुँ, हुँ. मेरे उससे पहले भी बड़े टीचर जो थे जिन्होंने मेरे आइडियाज़ को शेप करने में मेरा एकेडमिक कैरियर को बिल्ड करने में रोल अदा किया मैं उनका भी बहुत मशकूर रहूँगा जैसे रफीक अफजा साम ने मुझे एम फिल का थीसिस कराया अच्छा डॉक्टर नीम क्रैशी ने कहा यार अड़गे आप थीसिस क्यों नहीं मकम्मल करते सैयद अजी वास्ती की किताब पढ़ो उन्होंने हुँ। लाड मिंटो पे काम किया पहला वायसराय पर काम किया उन्होंने किया है अच्छा लाड लेवल पर जो काम हुआ हुआ था मगर किसी ने डायरेक्टली उनके वॉइस रियलिटी पर काम नहीं किया था आयशा जलाल साहिबा ने गुजरते हुए हवाले दिए हैं अंदर साहब ने दिए हैं और भी बहुत सारे लोगों ने मैं नाम उर्दू में मटेरियल था पंजाबी में मटेरियल था सो ये मैं समझता हूँ ये सब कुछ देखने के बाद जो मुझे समझ आया जो कि ज़ाहिर परफेक्ट नहीं हो सकता उस पर अभी भी गुंजाइश है और मैं सोचता रहता हूँ बाजुकात अभी मेरा सेकंड एडिशन ओ पी से इसी साल छप जाएगा वैसे ये बारह में ही ये एडिशन ख़त्म हो गया था हुँ, हुँ। और इसका रिव्यू जो है दस बारह रिव्यू तो बाहर से छपे और सबसे दिलचस्प जो एक ही रिव्यू जो छपा वो सबाल्टन स्टडीज वालों ने रनाजीत साहब वालों ने मेरा छापा वो सबसे मेरे नज़दीक आई ओपनिंग था वो है ना वो कोई वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र दिकर ना था।, था और वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है तो उन्होंने दो कौमी नज़रिए को बनाकर मेरी किताब को समझने की कोशिश की और दलील दी कि उन्नीस सौ इकहत्तर में जब बंग्लादेश बन गया तो दो कौमी नज़रिया तो विदाफन हो गया मेरी भाई स्टोरी में दो कौमी नज़रिया नजर आता है बुनियाद नहीं है मेरा जो मरकजी किरदार है वो लार्ड वेबल है उस पर बात उन्होंने की नहीं वो इसलिए नहीं की कि वो सोशल हिस्ट्री लिखते हैं सब स्टडीज़ लिखते हैं उनका हाई पॉलिटिक्स समझना मुश्किल है हुँ, तो इसलिए रिव्यू तो करवा लिया उन्होंने कर लिया तो वो किताब नहीं पढ़ी उसका वो हक अदा नहीं हुआ तो बाज़ का ऐसे तबसरे जाते हैं मैंने बस तस्करा कर दिया ताकि लोगों को जो पता चले कि दुनिया में जो बैठे हुए हैं, मैं माशाल्लाह आपको क्योंकि इतना रवानी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत सारी इस लिहाज से इस किताब की अहमियत है नाजिन चूँकि एक तो ये बात है जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है कि वॉइस रियलिटी पर हिंदुस् पाकिस्तान में सबसे पहला काम जो हुआ था वो डॉक्टर रज़ी वास्ती साहब ने लॉर्ड मंट्रो पर किया था उसके बाद डॉक्टर इकबाल चावला ने हम बात कर रहे हैं एक खालसन तारीख़ी तहकीकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह की जो तहकीक़ है वॉइस रैलिटी पर ये डॉक्टर साहब की इस किताब में है रानाजीत गोहा और ये जाहिर है ये एक इलमी मुबास हैं और उसमें एक मखसूस नुक़ँ नज़र है उनका जो हम भी जानते हैं आ, मैंने भी कुछ इसी तरह के कुछ तबसरे पढ़े हैं आ, मिसाल के तौर पे बास बड़े अच्छे अच्छे तबसरे बहुत ज़बरदस्त लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जब आप एक अदर ओपिनियन आती है तो वो भी एक्चुअली डिबेट तो अपनी जगह लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो भी उस किताब की उस तहक़ीक के मैार की एक एक्नॉलेजमेंट का अंदाज़ होता है सारा किताब ऐसी आई है कि जो बहुत सारे मुख्तफ्ल ख़्याल लोगों को अपनी तरफ मजबूर कर रही है कि उस पर बात करें तो इस लिहाज से ये एक बड़ा अहम वहलू है, है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैं नाजिन को थोड़ा सा मैं साथ शेयर -साथ भी करूँ इसके कुछ कॉन्टेंट्स हैं किताब के ताकि जो लोग किताब को अभी तक नहीं है तो वो जब पढ़ेंगे तो किताब बुनियादी तौर तो पर इसमें आप ये कह लीजिए कि पाँच इसके मरकज़ी इसके चैप्टर्स हैं इसके बाब हैं तो पहला जो बाब है उसका टाइटल है पॉलिटिकल पिक्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वेवल्स वॉइस रियलिटी तो आ, मैं ज़रा पहले बता दूं इसके बाद फिर मैं बारी बारी डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि मुख्तसर हमें बताएं कि इस चैप्टर में क्या है दूसरा जो है ये बहुत मेरी नज़र में अहम चैप्टर है वो है द वेवल प्लान और बुनियादी तौर पर इस किताब का जो मरकज़ी ख्याल है वो वेवल प्लान के इर्द गिर्द ही घूमता है अगर डॉक्टर साहब मेरे इस बात से इतफाक़ करें तो शायद Uh, दूसरा जो है uh, तीसरा चैप्टर है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और ये कैबिनेट मिशन है जिसने हमारी जो जिदोज आज़ादी की तारीख़ बरअीम की तारीख में बड़ा अहम एक किरदार है इसका चौथा चैप्टर वेवल एंड द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया सितंबर 1946 मार्च 1947 और इस इंटरिम गवर्नमेंट और वो जारी मामला जो हुए और उसके नतीजे में फिर पार्टीशन की तरफ कदम बहुत तेज़ी से बढ़े तो इस लिहाज़ से डॉक्टर साहब ने वेवल को बुनियाद बना के जैसे भी बात हो रही थी तो उन्होंने इन तमाम वाक़ात का और शख्सियात का बड़ा एक तारीखी महक्का आना एक मीरी तजिया किया है आखिरी जो चैप्टर है वो है वेवल एंड हिज़ मेजस्टिस गवर्नमेंट यानी वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा एंगल जो कि हुकूमत बरतानिया के एंगल से इसको बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया है और आखिरी जो चीज़ है वो है कंक्लूजन जिसमें डॉक्टर साहब ने अपने तमाम मारोजात जो हैं उनको समप किया है इसी तरह इससे पहले पहले चैप्टर से पहले बड़ा एक कंप्रीहेंसिव किस्म का इंट्रोडक्शन है जिसमें डॉक्टर साहब ने रिव्यू भी किया है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को उन्होंने डिस्कस किया है और जो इस किताब का जो एक हपोथिस है वो भी डेवलप किया है बिब्लियोग्राफी मैं समझता हूँ इसकी बड़ी इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि कहाँ कहाँ किन किन खारजारों से गुजरे और क्या, क्या क्या तजर्बात हुए एक मीरी किताब की निशानी ये भी होती है नजर कि उसमें एक इंतहाई मेहनत से तैयार करदा इंडेक्स भी शामिल होता है और ये जदीद तहकीक का एक समझ लीजिए एक अहम इस होता है तो इस किताब के मार की एक और दलील ये भी हैं कि इसमें एक इंतहाई मीरी तफसली इंडेक्स भी मौजूद हैं डॉक्टर साहब हम जरा पहले चैप्टर पर आते हैं कि पोलिटिकल पिक्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वेबल्स वाइस ये इसको जरा ब्रीफली जरा थोड़ा सा असल में आ, बहुत शुक्रिया आपने तफ़ी मेरे कंटेक्ट्स को बहुत अच्छे अंदाज से बयान कर दिया जो आ, मैं ये सोच रहा था फाइवर इन अ प्लेस ऑफ लॉर्ड वीवेल और मैं वाइस राय बनकर गवर्नर जनरल बनकर मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ तो जब मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ तो यहाँ का मंजरनामा क्या है हैं वो आ, आ, क्या कहते हैं पस मंजर क्या है फिर पेश मंज़र क्या, क्या है पस मंज़र जो था कि जी यहाँ पर यहाँ के सियासी हालात क्या हैं माशी हालात क्या हैं माशरा के अंदर जा रहा है ख़ास कर वो आ रहा था यहाँ के सियासी हालात पर बात करने के लिए क्योंकि गवर्नर जनरल था और जंग दो जारी थी तो यहाँ पर उसने जो देखा आकर मुझे जो लगा कि वो क्या देखना चाहेगा सबसे पहले उस देखेगा कि हिंदुस्तान में कौन सा सि पॉलिटिकल सिस्टम है कौन सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कौन सी प्रेशर ग्रुप्स हैं उन पॉलिटिकल और फिर कौन से रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कि रियलिटीज थी यहाँ पर वो उसने देखने की कोशिश की जिसमें जाहिर है कांग्रेस का जिक्र आया मुस्लिम लीग का आया फिर हिंदू महासभा का जिक्र आया फिर मुसलमानों के जो ग्रुप्स थे उनका जिक्र आया फिर प्रोविंस में जो पार्टियाँ जो लीडर थे उनका ज़िक्र आया फिर यह कि जी उन्नीस तक बरतानिया की क्या पॉलिसी रही ब्रिटिश mm अठारह -hmm. से शुरू कर लें विक्टोरिया पकलमेशन के बाद जो मुख्तलफ़ एक्ट्स आए हैं जिस तरह वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से शुरू होकर फिर नाइन्टी का आया फिर नाइन्टीन जीरो वन फिर नाइनटीन थर्टी फिर थर्टी और फिर लॉर्ड वेबल जब जा रहा है वहाँ पर वो किस मुकाम पे खड़ा है mm -hmm. तो तब वो हकीकी तौर पर जायज़ा लेकर ही आ, वो अंदाज़ा लगा सकता था कि मैं क्या पॉलिसी बनाऊँ मैं कौन कौन सी पार्टी इस वक्त क्या मुतालबा कर रही है उनके क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है तो वो इसलिए ये चैप्टर खाली लार्ड वेबल के हवाले से नहीं है हु, यानी आप इसके अंदर आप देखें पूरे इंडिया की साउथ एशिया की आपको सेंट्रल लेवल पर फेडरल लेवल पर आपको स्टोरी दिखाई देगी पॉलिटिकल पिक्चर पॉलिटिकल पिक्चर नजर आएगी रिलीजियस भी थोड़ी बहुत नज़र आएगी जी जी। और प्रविंसिस की भी ज़ाहिर है लोकल सतह पर मैं नहीं गया लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ सकती जी जी जी, जी ये था चैप्टर से ठीक हो गया अच्छा उसके बाद सर दूसरा जो चैप्टर है द वेवल प्लान और जाहिर है इससे टाइटल से भी ज़ाहिर है इसमें आपने वेवल प्लान की डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं सर अच्छा ये मैं सब आपने जैसे पहले कहा ये वेबल प्लान को हम मिक्स कर देते हैं बाजुकात उनके जो लेटर प्लान आए हैं वेबल्स प्लान आया है या उनसे मिक्स कर देते हैं नहीं। नहीं। ये वेबल प्लान बेसिकली जो लॉर्ड विस्टन चर्चल थे जो सुखद प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने लॉर्ड वेवल को जंग के दौरान नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा नाइट वॉचमैन नाइटमैन क्रिकेट ट्रौनल की, की एक बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा यार है ना बस ये बस बालों को कुछ रोकेगा विकेट नहीं गिरने देगा मैच बचाना है मैच नहीं बचाता नाइट वॉचमैन ज्यादातर वो विकेट बचाता विकेट बचा है और वो विकेट ये कि जी जंग जारी है जोर शोर से जंग जारी है पहली सतह पे जंग वो हार रहे थे अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है ये इंडिया का चीफ सी एंड सी रहा था गार्ड में तो उन्होंने कहा यार इसको हमने फारग करना है तो हम क्या करें को भाई रिस्पेक्टफुली हमें इन्हें जाने देना चाहिए फिर उन्होंने और कोई बंदा मिला नहीं तो उन्होंने कहा यार इसको लगा देते हैं ये फौजी आदमी है यहाँ पर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाए रखेगा कांग्रेस को ऑलरेडी उन्होंने अंदर किया हुआ था क्योंकि उनकी क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि खाना जंगी की तरफ ले जा रही थी और बगावत थी बहुत बड़ी बगावत थी उन्होंने कैद किया हुआ था वो वहीं पर स्टेटस को भी रखना चाहते थे लॉर्ड बेबल चूंकि यहाँ पर सीएनसी रहा प्लस डिफेंस काउंसिल का मेंबर भी रहा तो इसको थोड़े बहुत सियासी हालात का पता था हुँ, इसकी हुँ। एक ओपिनियन ये थी कि यार जितनी जल्दी हो सके जंग के दौरान भी हमें हिंदुस्तानियों को सियासी अमल में शामिल करना चाहिए हमें कांग्रेस को मिलाकर एक अबूरी हुकूमत बना लेनी चाहिए गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए और वो एक, जिसे एग्जेक्ट काउंसिल का कह लीजिए अच्छा ये कॉन्सेप्ट लॉर्ड क्रिप्स ने भी दिया था क्रिप्स प्रपोजल्स अच्छा उस क्रिप्स प्रपोजल्स को कांग्रेस की जो सबसे बड़ी हमाकतों में उसको ना मानना भी शामिल था हालांकि उस वक़्त के जो लॉर्ड लिथको थे मेरा वो स्टूडेंट वास्ती साहब मौजम वास्ती इसी भी काम कर रहा है वो लाड ललित ने, ने यकीन दिलाया था कि जनाब हिंदुस्तान तकसीम नहीं होगा पाकिस्तान नहीं बनेगा लेकिन कांग्रेस ने गलती की तो ये इन्होंने कहा कि यार छोड़ें हम आइन नहीं नया देंगे जब तक के जंग का ख़ात्मा नहीं हो जाता हम ये वादा करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको एक इंतबात होंगे आइन बनेगा उस आइन के तहत आप चाहे मुतहदा हिंदुस्तान को इकट्ठा रखे ना रखे आप एग्जेक्टिव काउंसिल में शामिल हो जाए ठीक है तो ये इसको वेबल प्लान इसके तहत शिमला कॉन्फ्रेंस हुई उन्नीस सौ पैंतालीस में जी। और वह शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहा जाता है कि कायद अजम जो थे वो वसूली तौर तो पर वो खड़े हो गए जो बाज जालिम हिस्टोरियन ने कहा कि वो जिद्दी थे, थे और उनकी जिद की वजह से जो लॉर्ड वेबल था वो डर गया और वो उसने हुकूमत नहीं बनाने दी कांग्रेस कांग्रेस मान गई थी अच्छा कांग्रेस भी अजीब है वो 1930 में कहा हम इंडिया आज़ाद है हम आज़ादी जीत लिए हमने फिर वो पैंतीस के एक्ट को भी मान गया फिर थर्टी सेवन के इंतखबार में भी हिस्सा ले लिया फिर हुकूमत भी बना ली फिर कोई टेंडर मीम भी शुरू कई चीज़ें जो आयशा जलाल बासुआत कहती है ना मजाक से मैं कह रहा हूँ कि वो कह दी गई जी कंप्रोमाइज कर लिया वो कंप्रोमाइज़ कांग्रेस तो करती ही आ रही थी उनके यहाँ तो सोलह जवाबत आई बात ही नहीं थी तो ये जो फोर्टी फाइव में भी कांग्रेस मान गई जी ठीक है मैं एग्जेक्टिव काउंसिल में आ जाते हैं वो किधर यह आपका मुबा कहीं नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए फौरन हिंदुस्तान में इकतदार मुंतकिल किया जाए वो तो मिल नहीं रहा था जिना कहा नहीं वो बात हो रही थी पैरिटी की कि हमें हम एक कौम है चालीस की क्रारदा के बाद कायद अजम ने एक ही बात पर जोर दिया कि जी हम एक कौम है बहसी कौम हमें बराबरी की नशिस्तें चाहिए बराबर का हमें हिस्सा दारी चाहिए मरकजी हुकूमत में भी और सबाही हुकूमतों में भी उस वक़्त वो लाड बेबल क्या रहा था नहीं यार पैरिटी हम इस तरह नहीं कर सकते हम ब्राह्मण के साथ आपका मान लेते हैं उस पर भी कांग्रेस मान गई थी जो बाद में दिखेगा मुकर गई थी तो ये नाकाम हो गई कैद अजम ने मानने से इनकार कर दिया तो लाड बेबल हौफजदा इसलिए था कि जंग अभी जारी थी और जंग जारी थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी और पंजाबियों की थी और पठानों की थी ये पंजाबी और पठान बहुत दिलेर फौजी बिगने जाते थे और ख़ास कर पंजाब जो था यहाँ पर तो बहुत माशी तौर पर जो बंगाल भी आपका जो कहत आया बंगाल में उनमें एक सबब ये भी था तो हमारे जो रिसोर्स थे इकनॉमिक रिसोर्स और हमारी जो मिल्ट्री स्ट्रेंथ थी उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता हुँ, था लिहाजा कायदम को जिन उन्होंने कहा लाडल ने यार आप क्यों आप वीटो करते हैं हुँ, हुँ। आपको तो कोई वोट देखे थर्टी सेवन में कितने में तो जना ये मैदान है खुला मैदान है आइए इंतख्या करवा लीजिए फिर उसके बाद वो फिर अगला चैप्टर आ जाए ठीक ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान तीसरा चैप्टर है सर जी और ये अमूमन हिस्टोरियन की उनकी तहकीक का मैदान रहा है और ज़ाहिर है बहुत सारे नाम अभी आपने लिए भी हैं तो इसमें ऐसा इस चैप्टर में क्या चीज़ ऐसी मुख्तलिफ है जो आपने पेश करने की कोशिश की है जो एग्जिटिंग लिटरेचर के बिल्कुल थोड़ा सा हट के आपने पेश करने की कोशिश की है अच्छा ये आ, बहुत अच्छा सवाल है अच्छा कोई भी चीज़ हिस्टोरिकल फैक्स नॉन फैक्ट्स होते हैं कैबिन मिशन प्लान पर बहुत सारे डायमेंशंस पे बात हुई है जी जी मगर दो सबसे बड़े जो है ना वो व्यू पॉइंट्स हैं नैरेटिव्स हैं एक नैरेटिव बड़ा नैरेटिव है उसके अंदर भी कई नैरेटिव हैं एक नैरेटिव ये है कि जी जो कायदाजम मोहम्मद अली जना थे जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कांग्रेस कहते हैं जी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो कायद अज़म के हवाले से भी कहा जाता है कि कायद अजम ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उनका मुतालबा असल में ये था करारद लाहौर के बाद कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और वो हमें उससे पीछे नहीं हटेंगे और उस पर कायम रहे जैसे अभी हमने कहा शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा हम उसे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अगर और वामिल भी थे शामिल लेकिन काबीना मिशन प्लान जब सामने आया तो कायद अजम ने इस बात पर मान गए कि जी ठीक है हम अपना मुतालब पाकिस्तान दस साल के लिए हम छोड़ने को तैयार है मुखर कर रहे हैं हाँ, है। और हम इंडियन फेडरेशन में हम काम करने को तैयार हैं जिसमें आयशा जलाल साहबा के के अज़ीज़ साहब के अलावा इंडियन जो हैं जसवंत सिंह भी उनमें शामिल है और सारे मशीर हसन हैं या उससे पहले जो क्लासिकल जो भी थे उनका भी यही नैरेटिव मौजूद था कि जी जिना जो थे वो तो पाकिस्तान बनाना ही नहीं चाहते थे वो ये चाहते थे मुतदा हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सर सूबों को ज्यादा से ज़्यादा इख्तियार मिल जाए ठीक है और वो पाकिस्तान ना बनाए और ये कांग्रेस की गलतियों की वजह से बना है ज़ाहिर वो, वो उसके आगे फिर ये है कि जो जसवंत सिंह ने कहा जसवंत सिंह ने कहा या और मजमदार ने कहा बाद लोगों ने कहा ये कांग्रेस की गांधी जी और ख़ास करहरू की जो ओवर अम्बिश थी सरदार पटेल वो बाद भी जिक्र आता है वो तो खैर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी कहा इंडिया विन्स फ्रीडम में ये नेहरू की हर दल की वजह से ये चिना इस एक्सट्रीम तक गए वो एक एकदा पहलू मैं, मैं ग्रैंड नैरेटिव की बात कर रहा तो मैं ये मुझे कोई एतराज नहीं है जो भी किसी की राय हो हुँ, होती हुँ, रहे मुझे ये देखना था कि जब ये वाक्यात हो रहे थे भाई गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वेवल थे वो किसी भी स्टोरी में लॉर्ड वेबल का जिक्र ही नहीं है हुँ, हुँ, हुँ। जो की की फैक्टर है की फैक्टर है एक्टर है बल्कि हाँ जी एक्टर है। जब मैंने जब स्टडी शुरू की तो पता चला कि जो आ, जो शख्स अंग्रेजों को हिज मजिस्टिक गवर्नमेंट आगे जो हम सवाल आप एक चैप्टर पे उस पर जिस शख्स ने तोज्जो दिलाई वो लॉर्ड वेबल थे जी जी जिस शख्स ने ये सारा मॉडरेट किया वो लॉर्ड वेवल था ठीक है जिस शख्स के आइडियाज कलिम कलमिनेट हुए है उनके वो सारे ओरिजिनल थोड़ी थे लॉर्ड क्रिप्स के भी थे वो बाकी जो तीन वजरा उनके भी थे पैथिक के भी थे अलेक्जेंडर के भी थे ज, जिना के भी थे खान के भी थे नेहरू के भी थे गांधी भी मौलाना आजाद ये तमाम सब के थे ये कोई अकेले शख्स का ओरिजिनल वो नहीं आइडिया था सब के मिल के का एक थाट प्रोसेस से गुजर कर का भी ना मिशन प्लान दिया गया दुरुस्त अच्छा जब वो दे दिया गया असल में कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जी हम ये इससे पहले जो नहीं देखा गया था कि जी ये वो मौका था लॉर्ड विवल समझ रहा था कि हम हिंदुस्तान की तकसीम को बचा सकते हैं। हुँ, हुँ, ये वो मौका था याद होगा आपको जब आपने मौलाना आजाद का मेरे से लिया था कि मौलाना आजाद को इससे पहले इस तरह नहीं देखा जिस तरह मैंने देखा हुँ, इस, हुँ, इस पूरे थॉट प्रोसेस से गुजरने के बाद कि मौलाना आजाद को वक्त के साथ साथ पता चलता रहा कि दो कौमी नजरिया है क्या वरना तो वो एक मुखाल्फत और मुखासमत में ही आ, कांग्रेस में रह कर, और दूसरे जाहिर है कि उन पर जो हमारे मुसलमान भी थे वो भी पत्ती कसते थे जिना भी उनको बराबरी के उस तरह के रवैया नहीं रखते थे तो वो जब उनकी इंट्रैक्शन हुई थाट से जिदा से और फिर उसे खुद जब बहसीत थे प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जब वो बात करके जाते थे तो वापस जाकर उनके साथ जो हसन सलूक होता था कहा जाता था नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो तो उससे तो ये जो

डॉक्टर साहब ने ये जो गुफ्तु के जो नकात कुछ उठाए हैं अ, मेरी राय में बहुत कम लोगों ने इस पहलू की तरफ़ तोज्जो की है इससे नाजन आप यहाँ से आगे ज़रा मज़ीद इस आप यहाँ से उठ कर नहीं जाना आपने और इस गुफ्तु को आखिर तक देखना है इनतहा अहम गुफ्तु होने वाली है और हो रही है और ये बात बहुत वैलड है कि जो शख्स मरकज़ी किरदार है उसका ज़िक्र नहीं है और आप अपना एक तारीखी बयानिया तसलसल से पेश करते जा रहे हैं किताबों पर किताबें लिख रहे हैं तो ये वो वैक्यूम है वो एक खला था इसको जिसको करने की एक मुस्ंद कोशिश की गई है इस किताब की शक्ल में आ, सर कैबिनेट मिशन प्लान आपकी बात दुरुस्त है कि एक बहुत अहम कोशिश थी लॉर्ड वेवल इसके मरकज़ी किरदार थे लेकिन आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि इसमें तकरीबन तमाम ही किरदार जो थे उनकी कहीं ना कहीं वो शमूलियत मौजूद थी जिसमें कायद अजम जना भी हैं अबुल ग्राम आज़ाद भी हैं दूसरे सब लोग थे इस लिहाज से हमारे सामने ये दो पॉइंट्स बहुत अहम आ चुके हैं नाज्रीन इस किताब के हवाले से एक तो ये है कि जब आप तकसीम हिंद और तहरीक पाकिस्तान का मताल करते हैं और उसमें जना और गांधी और दीगर जो कायदीन हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के उनका तकबली जायज़ा लेते हैं और कैबिनेट मिशन पे जब तान आके टूटती है वहाँ पर आप लॉर्ड वेवल को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ये एक आ, मेरे ख़्याल है इसको बहुत नर्म अल्फाज में भी कहा जाए तो एक तारीख़ी बदयती है इलमी बदती भी है या यूँ कह लें ज़्यादा और नरम में कह लें कि ये आ, इल्मी एक कोताही है एक नज़रअंदाज किया गया है दूसरा जो पहलू है कि ये सारा कोई एक शख्स का नहीं है आइडिया तो है और उसमें वेवल का कमाल ये था कि उन्होंने पूरी कोशिश की ऑनेस्टी से की वाल उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि इंडियन लीडरशिप जो है जगह पर आ बदकस्मती से ऐसा प्लान जिसमें सबका ही हिस्सा था वो बाद में फिर सबके लिए उसमें मसाइल पैदा होते चले गए